प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के भारत और समकालीन विषयों भाग दो के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, भूमंडलीकृत विषयों का बनना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिलक मार्ग से किस वस्तु का व्यापार होता था? तो इसका उत्तर है, सिलक मार्ग द्वारा चीन से भूमध्य सागर तक रेशम, बारूद, कागज़ आदि का व्यापार होता था। तो जो रेशम है, जो रेशम का कपड़ा बनता है, इसका सबसे पहले आविष्कार भारत में ही हुआ था और बाद में चाइना में हुआ था। और बारूद और कागज़ इनका आविष्कार चाइना में हुआ था। तो जो सिलक मार्ग है, उसका उसके द्वारा चीन से लेकर और इटली तक, यूरोप तक रेशम, बारूद, कागज़ का व्यापार होता था। इस मार्ग में चीन, भारत, यूनान, अरब के देश, ईरान, इटली आदि देश शामिल था। यह व्यापार 200 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे अब सन 2021 चल रहा है, इससे अगर हम पीछे जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब जीरो साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो साल आ जाएगा। और इससे पहले का जो समय होता है उसे हम कहेंगे 1 BC, 2 BC और इसी तरह चलता रहेगा ये, ठीक है। और इसके अंदर उल्टा ही चला जाएगा, जैसे 2 BC से लेकर 1 BC तक। तो ये क्या है, 2 BC से लेकर 14वीं सदी तक, 2 BC से लेकर 14वीं सदी तक यह व्यापार चला। तो आप इस नक्शे में देख सकते हो, ये चीन, चाइना है, और चाइना से ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिल्क मार्ग का है। किसका है? सिल्क मार्ग का है। और भारत में ये यहाँ कलकत्ता से या ढाका से जुड़ा हुआ था, और इधर जो हमारा आज जो पाकिस्तान बना हुआ है उस जगह से ये भारत से जुड़ा हुआ था। तो सिल्क मार्ग से इन वस्तुओं का व्यापार होता था और ये देश इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि सेरीकल्चर क्या है। तो रेशम होता है वो एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेशम क्या है? तो रेशम क्या होता है? प्राकृतिक प्रोटीन होता है। और रेशम के कुछ प्रकार के रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं। यह प्रोटीन रेशों में मुख्यतः फिब्रोइन होता है। क्या होता है इसमें? फिब्रोइन होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिब्रोइन होता है। क्या होता है? फिब्रोइन होता है। FIBROIN। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के रेशों में जो प्रोटीन होता है, किस प्रकार के रेशों में पाया जाता है? तो ये फिब्रोइन रेशों में पाया जाता है। और यह जो रेशा होता है कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। और सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये शहतूत का पत्ता है, इसके ऊपर यह रेशम का जो कीड़ा होता है सबसे पहले अपने अंडे देता है। अंडे देने के बाद में फिर यह लार्वा बनाता है, लार्वा से कोकून बनता है, और कोकून में से जो कीड़ा होता है वह बाहर निकल जाता है। और उसका जो ऊपर का खोल होता है, इसे गर्म पानी में उबालकर और इससे रेशम बनाया जाता है। इसे क्या बनाया जाता है? रेशम बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। तो जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में एक मौद्रिक व वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, देखिए जब दो विश्व युद्ध लड़े गए, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया, दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई और दुनिया के अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था इससे डावाडोल हो गई। अमेरिका है, इंग्लैंड है, और है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। तो इसके कारण जुलाई 1914 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में एक मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण व विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसे विश्व बैंक कहते हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि विश्व बैंक किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक को। तथा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, और इन दोनों को ही मिले जुले रूप में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहते हैं, या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का लोगो है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के जुड़वा संतान कहते हैं। और जुलाई 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई थी, क्योंकि विश्व के अधिकतर जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। अगला प्रश्न है, तोताराम सनाढ़े कौन थे? तो इसका उत्तर है, तोताराम सनाढ़े एक गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी द्वीप समूह में काम करते थे। फिजी द्वीप समूह, आपको बताया था गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। तो अंग्रेजी औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों का भारत में राज था, तो भारत के लोगों को द्वीप, कैरेबियन द्वीप समूहों में मजदूरी करने के लिए ले जाते थे। और जब उसको मजदूरी करने के लिए ले जाते थे, तो वो एक एग्रीमेंट करते थे उसके साथ। क्या करते थे? एग्रीमेंट करते थे, और उसी एग्रीमेंट को भारतीय लोग आम भाषा में गिरमिट कहते थे, और उसी को जो गिरमिट करके वहाँ जाता था, एग्रीमेंट करके जाता था, उसको गिरमिट कहते थे, और जो एग्रीमेंट करता था उसे गिरमिटिया कहते थे। तो उन्हीं में से एक प्रसिद्ध गिरमिटिया है तोताराम सनाढ़े, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष। गिरमिटिया मजदूरों के शोषण के बारे में इन्होंने लिखा है। ये है तोताराम सनाढ़े, इनको आप देख सकते हो। ये इनके पुस्तक का कवर पेज है, माई 21 ईयर इन द फिजी आइलैंड, द स्टोरी ऑफ द होंट्रो लाइन बाई तोताराम सनाढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की। तो अमेरिका महाद्वीप है, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, 12 अक्टूबर 1492 को। ये जो यूरोप है, यहाँ पे दो देश हैं, एक यहाँ पे छोटा सा देश है स्पेन, और उसके साथ में एक बड़ा देश है पुर्तगाल। तो स्पेन का था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये देखिए, 1492 से 1493 को इस रास्ते से वो यहाँ तक यहाँ आया था, ठीक है, इस रास्ते से आया था। फिर 1493 से ये इस रास्ते से आए थे, ठीक है, फिर इस रास्ते से आए हैं। तो ये अलग अलग रास्ते बताए हुए हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। 16वीं सदी के बाद कौन सा महाद्वीप विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया? तो 16वीं सदी के बाद यूरोप, ये देखिए ये यूरोप का नक्शा है जो रेड कलर में दिखा रखा है, ये यूरोप के देश हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था, क्योंकि जहाज़रानी मतलब पानी के अंदर चलने वाले जहाज वगैरह के विकास तथा बहादुर नाविकों के साथ यूरोप के लोगों ने दुनिया के अनेक देशों की ओर अपने कदम बढ़ाए तथा वहाँ पर व्यापार किए और अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो देखिए, ये विश्व का मानचित्र है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप हम बता ही दिया, यूरोप के साथ लगता एशिया है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये ओशेनिया महाद्वीप है। क्या है? ओशेनिया। कौन सा महाद्वीप है? ओशेनिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, हमने तो इसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे और भी देश हैं, ये तो थोड़ी सी वैसी ही बात हो जाती है, जैसे इसके अंदर एक न्यूजीलैंड है। कौन सा है? एक न्यूजीलैंड है। एक इसके साथ में जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है, तो इसका नाम ओशेनिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ओशेनिया महाद्वीप है।
तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एशिया और यूरोप, जैसे देखिए महाद्वीप उसे कहते हैं जो एक बड़ा क्षेत्रफल हो पृथ्वी धरती का और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, एशिया और यूरोप, और दोनों साथ साथ जुड़े हुए भी हैं। तो इन दोनों को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, इनको कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? और एक यहाँ पे देश है रूस। रूस विश्व का एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। कहाँ है? इतना बड़ा देश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो यूरोप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी जो राजधानी मॉस्को है, उसकी जो राजधानी रूस की मॉस्को है, वह यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। तो प्रश्न का जवाब कमेंट में देंगे सभी बच्चे कि ऐसे कौन सी पर्वतमाला है जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरू और मैक्सिको की खाने किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो देखिए ये पेरू है, दक्षिण अमेरिका में, कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, यहाँ पे ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, ठीक है, और भी कई सारे देश हैं। पराग्वे है, यहाँ पे ये पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से ऊपर ये पराग्वे है, पराग्वे से ऊपर कोलंबिया है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, पेरू के पास में ये क्या है? इक्वाडोर है, इक्वाडोर है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू पड़ता है, और इससे ऊपर ये मैक्सिको है। ये क्या है? मैक्सिको है। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पे दोनों पे सोने की खाने थी। किसकी खाने थी? सॉरी, चांदी की खाने थी। किस चीज़ की खाने थी? चांदी की खाने थी। और मैक्सिको और पेरू है, यहाँ दोनों की ही जो खाने थी वो चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। आगे है, अमेरिका के शहर एल्डोराडो को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका उत्तर है, अमेरिका के शहर एल्डोराडो को सोने का शहर नाम से पुकारते थे। तो ये जब 16वीं शताब्दी थी, तो उस समय जैसे यूरोप के जो लोग थे वो दुनिया के अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे, अलग अलग जगह पे चीज़ों को ढूंढ रहे थे, तो उस समय इन लोगों के बीच में एक अफवाह चलती थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा शहर है जहाँ पर सोने के शहर हैं, मतलब पूरा शहर ही सोने का बना हुआ है, तो उसे एल्डोराडो कहते थे। जबकि वास्तव में ऐसा कोई शहर नहीं था, वास्तव में कोई ऐसा शहर नहीं था, ये काल्पनिक शहर था एल डोराडो। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से श्रम प्रवाह क्या होता है? श्रम प्रवाह तो काम अथवा रोजगार की तलाश में लोगों का एक देश से दूसरे देश में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना श्रम प्रवाह कहलाता है। जैसे भारत से लोग सऊदी अरब में काम करने जाते हैं, भारत से लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं, भारत से लोग चीन में काम करने जाते हैं, भारत से लोग कनाडा में काम करने जाते हैं। आधा पंजाब तो कनाडा में बसा हुआ है, कनाडा की जितनी आबादी है उसमें से लगभग 30% आबादी तो हमारे सरदार भाइयों की है। तो इसको श्रम प्रवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रम प्रवाह कहते हैं। भारत से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, न्यूजीलैंड गए हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि कभी आप सोचो कि भारत भारत से लोग गए हैं, दूसरे देशों के लोग भी भारत में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे देशों के लोग भारत में आके काम करते हैं, कैरिबिया द्वीप समूह के लोग हैं और जैसे फिजी द्वीप के लोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज़ों ने किन दो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब में नहरों का जाल बिछाया था? तो ये हमारा पंजाब था इतना बड़ा उस समय, आज ये बस छोटा सा टुकड़ा बच गया हमारे पास, ये वाला, ये इतना पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अंग्रेज़ों ने गेहूं तथा कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब में नहरों का जाल बिछाया था। तो पंजाब का मतलब होता है पंच प्लस आब, पंच का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है नदी। तो पांच नदियां हैं जो पंजाब के अंदर बहती थी, उन्हें कहते थे पंच आब, इसलिए इस जगह को कहते थे पंजाब। यहाँ पर सतलुज है, ब्यास, सतलुज, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनब, चेनाब है, झेलम है, ये पांच नदियाँ यहाँ पे
बहती थी यूं करके, यूं 1, 2, 3, 4, 5, और इन पांचों नदियों के बीच की जो जगह है उसे पंजाब कहते थे। उसे क्या कहते थे? पंजाब, पांच नदियाँ। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, जब पांच नदियाँ बहेगी तो उनके बीच की मिट्टी तो उपजाऊ होगी, वहाँ की जलोढ़ मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, ज़मीन के नीचे पानी मीठा होगा, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने नदियों से खेती करने के लिए नहरों का जाल बिछाया। और किस फसल के लिए बिछाया? गेहूँ तथा कपास के लिए। किसके लिए? गेहूँ तथा कपास के लिए। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो जो गिरमिटिया मजदूर थे फिजी द्वीप समूह में, कैरिबियन द्वीप समूह में, भारत के लोग जो एग्रीमेंट करके जाते थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो गिरमिटिया मजदूर प्रथा को 1917 में आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। परंतु भारत में गिरमिटिया मजदूर प्रथा को 1921 में समाप्त किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, तोताराम सनाड्य, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी आदि का इस प्रथा के उन्मूलन में विशेष योगदान रहा। इन सभी महान आदमियों के प्रयासों से ही ये जो गिरमिटिया मजदूर प्रथा है इसको समाप्त किया गया, क्योंकि जो गिरमिटिया मजदूर थे उनके साथ वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति में काम किया करवाया जाता था उनसे, और उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही चिंताजनक होती थी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो कैसे ये छप्पर के अंदर रहने वाले हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वीटो से आप क्या समझते हैं? तो वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं आज्ञा नहीं देता, मैं आज्ञा नहीं देता, आई फॉरबिड। वीटो को निषेधाधिकार कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? निषेधाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। विश्व अभी तक दो भयंकर युद्धों को झेल चुका और भविष्य में कोई ऐसा युद्ध दोबारा ना हो। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है 1914 से 1918 तक, दूसरा हो चुका है 1939 से लेकर 1945 तक। भविष्य में ऐसे दोबारा ना हो इसलिए 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं? UNO कहते हैं। UNO की स्थापना की गई थी। उस समय इसमें 51 देश थे। 51 क्या थे? देश थे। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 51 देश थे, और अब इसमें कुल 193 देश हैं, सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं। क्या हैं? 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर कोई भी UNO कोई निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद में इन पांचों में से एक विदेशियों कह देता है कि मैं ये काम नहीं चाहता, तो बाकी चाहे 4 देश चाहें, चाहे 193 में से 192 देश चाहें, तो भी वह काम नहीं होगा। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जब भी कोई प्रस्ताव विचार के लिए आता है तो 5 देशों में यदि कोई एक भी देश उस पर असहमति बताता है, जताता है, तो वह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। इसे ही वीटो कहते हैं। और अब तक सबसे अधिक बार वीटो पावर रूस ने 120 बार प्रयोग की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर किसने यूज की है? तो रूस ने प्रयोग की है। अगला प्रश्न है, आयात शुल्क व निर्यात शुल्क किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करती है, जैसे देखिए ये यहाँ पे जैसे भारत है, ये यहाँ पे भारत है, भारत के बराबर में यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ से जब यहाँ कोई चीज़ आएगी, तो जब यहाँ से यहाँ आएगी तो ये देश उसके ऊपर शुल्क लेगा, ये देश उस पर क्या लेगा? शुल्क लेगा। उसे कहते हैं आयात शुल्क। जब कोई वस्तु आती है तो उसे कहते हैं आयात शुल्क, और जब कोई वस्तु जाती है तो उस पर निर्यात शुल्क। और जब एक देश दूसरे देश पे कोई सामान भेजता है तो उस पर निर्यात शुल्क लगता है। क्या लगता है? निर्यात शुल्क लगता है। इंग्लिश में इसको इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट होता है निर्यात और इम्पोर्ट होता है आयात।